उसे हर सुख मिला, सम्मान मिला, धनुर्विद्या का वरदान मिला। अपनों के विरुद्ध जब शस्त्र उठे, कर्तव्य का महाज्ञान मिला। अपने हो या पराए, मित्र हो या शत्रु, धर्म के इस युद्ध में अधर्मियों का वध करेगा ये अर्जुन। ये गाथा है महानायक अर्जुन की। महाभारत। दोस्तों, लेजेंडरी डायरेक्टर एसएस राजामौली जी बनाने वाले हैं इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी महाकाव्य ड्रामा फिल्म महाभारत, जिसे हम सब किताबों में पढ़कर टीवी पर देखकर बड़े हुए हैं, जिसमें भगवान जी ने अधर्म पर धर्म की जीत पाने के लिए महाभारत का युद्ध रचा था। तो दोस्तों, उसी पुरानी कहानी को अब एक बार फिर से राजामौली जी क्रिएट करने वाले हैं। और फिल्म को लेकर राजामौली जी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी की है। वैसे तो राजामौली जी फिल्म महाभारत को लेकर कई बार बात कर चुके, वही अभी हाल ही में जब उनको एक इवेंट में महाभारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महाभारत मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैंने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई है और जो भी मैंने सीखा है वो सब मैं महाभारत में लगाने वाला हूँ। साथ ही उन्होंने बताया है कि ये फिल्म 10 पार्ट्स में बनने वाली है, जिसकी स्टोरी तो वही रहेगी लेकिन फिल्म के कैरेक्टर्स को मैं अपनी क्रिएटिविटी से एकदम नए रूप में पेश करने वाला हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि पहले मैं महाभारत के सभी वर्जन्स को पढ़ूंगा और फिर हिसाब से मैं फिल्म को लिखूंगा, जिसमें मुझे 2 साल का समय लगने वाला है और फिर इसके बाद मैं फिल्म का शूट शुरू करूंगा। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ये महाभारत जनता के लिए एकदम नया एक्सपीरियंस होने वाला है, जो जनता ने कभी नहीं देखा होगा। वही अब इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है फिल्म को और कास्टिंग को लेकर। तो आपको बता दें, फिल्म में हमें बॉलीवुड के और साउथ सिनेमा के कई बड़ी सुपरस्टार्स नजर आने वाले हैं, जिसमें आमिर खान, रामचरण, प्रभास, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, राणा दग्गुबाती और महेश बाबू जैसे कई बड़ी स्टार्स का नाम सामने आ रहा है। और फिल्म में फीमेल लीड के लिए दीपिका पादुकोण का नाम सबसे ऊपर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत एक बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, जिसमें कई सारे साइड कैरेक्टर्स भी फिल्म में नजर आएंगे। और जैसा कि राजामौली जी ने बताया है कि वो फिल्म को 10 पार्ट्स में बनाने वाले हैं, तो फिल्म का बजट भी बड़ा होना तो लाजमी है। वही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का बजट 200 करोड़ हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म इंडियन सिनेमा में एक ऐसा रिकॉर्ड बना देगी जो कभी कोई फिल्म नहीं तोड़ पाएगी। बात करें फिल्म की रिलीजिंग की, तो फिल्म का शूट 2026 में शुरू कर दिया जाएगा और हो सकता है फिल्म का फर्स्ट पार्ट हमें 2027 में देखने को मिले। तो दोस्तों, आप सभी महाभारत को एक बार फिर एकदम नए रूप में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।